नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। चैप्टर 7 है दोस्तों, ये क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की किताब का टाइटल है ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी। तो जैसा कि आप इसके टाइटल से देख रहे हैं, हम लोग कुछ ट्राइब्स देखेंगे इंडिया की, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जिनके आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी और एग्जाम के प्रीलिम्स में चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर नोमैड्स के बारे में बात करेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह लगातार घूमते रहते थे, और सेटल कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे जो एक जगह सेटल करके अपने कामों करते हैं। चैप्टर 2, 3 और 4 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे किंगडम बने, कैसे गिरे। 8th से 18th सेंचुरी के बीच में बात हो रही है इस बुक में दोस्तों। फिर हमने देखा कि टाउन्स एंड विलेजेस में किस तरीके से आर्ट्स, क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए पूरे इंडिया में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो, टेम्पल टाउन हो, पोर्ट टाउन हो, कोई सा भी टाउन हो। लेकिन हर जगह पे सोशल चेंज एक जैसा नहीं था। कुछ जगहों पे जो सोसाइटीज डेवलप होंगी वो अलग अलग होंगी। वो कैसे होंगी उसको हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक संथल का पेंटेड स्टॉल है जहां पे ट्राइबल डांस को दिखाया जा रहा है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों डांस कर रहे हैं। अब देखिए, सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत मेजर हिस्से में दोस्तों सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, कास्ट सिस्टम था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सिस्टम बहुत जगहों पे अवेलेबल था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये सिस्टम बनाया कितने था, तो ब्रह्मनाज ने बना दिया था, और उसको सपोर्ट किसने किया था, क्षत्रिय ने किया था, ताकि ये दो कम्युनिटीज डोमिनेट करते रहे। अब हुआ ये दोस्तों कि जब बड़े बड़े किंगडम्स आएंगे, जब बड़े बड़े किंगडम्स आएंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे कि वो इस सिस्टम को सपोर्ट कर देंगे। वो बोलेंगे कि हाँ भाई, ये जो ब्राह्मण है ये सबसे ऊपर है, बाकी लोग को अपनी कास्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जब कुछ इलाकों में ये कास्ट सिस्टम पहले से प्रेजेंट था, और जब उस इलाके के रूलर्स ने आके उस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर दिया, तो देखेंगे कि जो नीचे थे ना लोग, जो शूद्र कैटेगरी में लोग थे ना, वो भाई और नीचे चले जाएंगे, और जो अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। तो क्षत्रिय और ब्राह्मणास ये और अमीर हो जाएंगे। तो आप देखोगे अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ जाएगा दोस्तों, हाई और लो के बीच का फर्क बढ़ जाएगा। दिल्ली सल्तनत जब आएगी और मुगल्स जब आएंगे, ये लोग भले कास्ट सिस्टम को सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन इनके समय पे भी सोशल क्लासेस की जो हायरार्की है वो बढ़ेगी। फिर आगे हम देखते हैं बिग सिटीज, बियॉन्ड बिग सिटीज। अब इन बिग सिटीज के अलावा बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, दूसरे तरीके की सोसाइटीज भी थी जैसा कि मैंने आपसे बात की। कुछ सोसाइटीज ऐसी थी दोस्तों जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के जो वर्ण वाले नियम है इनको नहीं माना, उन्होंने उन सोशल रूल्स रिचुअल्स को नहीं माना जो ब्राह्मणास ने दिए थे, ओके, और ना ही उन्होंने अपने आप को अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड किया। इनमें से एक सोसाइटी थी जिनको आप बोलते हो ट्राइब्स। ट्राइब्स का क्या हिसाब था दोस्तों, ये किनशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे। मतलब कि इनका जो सोर्स है, इनका जो ओरिजिन है, सेम है। आप कह सकते हो ब्लड बॉन्ड्स होते हैं, पर ये ब्लड बॉन्ड्स इमीडिएट ब्लड बॉन्ड्स नहीं, यानी बाप बेटा नहीं, जो इनका पूरी फैमिली थी, जो इनका पूरा खानदान था, उसके बॉन्ड से ये लोग बंधे हुए थे। तो हर ट्राइब के लोग इस किनशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे दोस्तों। ज्यादातर जो ट्राइब्स थी वो अपना गुजर बसर कैसे करती थी, एग्रीकल्चर से करती थी। बहुत सारे उसमें हंटर गैदरर्स थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके हंटिंग करना, गैदरिंग करना। कुछ हर्डर्स थे जिनके पास कुछ कैटल वगैरह थी, वो अपनी कैटल वगैरह चलाते रहते थे, उनके दूध का इस्तेमाल करते थे, उनके मीट को खाते थे। और जिस इलाके में रहते थे वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से ये लोग यूटिलाइज करते थे। बहुत सारे इनमें से नोमैडिक थे, मतलब दे वर कॉन्स्टेंटली ऑफ मूव, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते थे दोस्तों। और एक जो ट्राइबल ग्रुप था ना, वो लैंड और पैस्चर्स को कंबाइंडली ओन करता था, कंबाइंडली कंट्रोल करता था, और वो अपने हिसाब से ट्राइब, जैसे ट्राइब ग्रुप से मान लो 150 लोग हैं, तो एक पूरे इलाके पे वो ट्राइब कंट्रोल करके रखेगा। अब इस इलाके में अलग अलग जगहों का कंट्रोल इन 150 में से किस फैमिली को कितना जाएगा, वो अपने रूल्स के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से वो डिसाइड कर लेते थे। तो आप देखोगे कि देश के बहुत से हिस्सों में आपको ये ट्राइब्स मिल जाएंगे, अभी एक फिगर से भी आपको दिखाऊंगा। ज्यादातर ये ट्राइब्स जंगली इलाकों में, फॉरेस्ट में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, या फिर ऐसी जगहों पे मिलती थी जहां पे पहुंचना मुश्किल था दोस्तों, क्योंकि जहां पे पहुंचना आसान था वहां पे लार्ज किंगडम्स बन चुके थे। खास बात इन ट्राइब्स की क्या थी दोस्तों, कि ये लोग कास्टलेस थे, कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं थी इनकी। अब क्या है कि भाई इसी सब कॉन्टिनेंट में कास्ट बेस्ड सोसाइटी भी है जहां की राजा है, ब्राह्मण है, वर्ण सिस्टम चल रहा है, और वहीं पे पास के जंगलों में ट्राइब्स रह रही हैं। तो अक्सर कर आप देखने को आपको मिलेगा कि इन कास्ट बेस्ड सोसाइटीज जो कि वर्ण सिस्टम फॉलो कर रही हैं, और ये ट्राइब्स, इनके बीच में अक्सर कर आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे।
मतलब कहीं पे भी इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन उसमें कोई क्लैश आ गया तो आइडियोलॉजी में क्लैश आ जाएगा, उनके रहने के तरीके में क्लैश आ जाएगा, खान पान की चीजों में क्लैश आ जाएगा, हर चीज में इनके क्लैश आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी, स्वदेश में जाके शाहरुख खान नासा में काम कर रहा होता है, वो गांव में जाता है तो उससे उसका गोत्र पूछते हैं, तो गांव वालों को वही आता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, कोई ट्राइब वाला वहां पे आएगा, कास्ट बेस्ड सोसाइटी वाला, उससे भी उसका गोत्र पूछेगा, ट्राइब वालों को समझ में ही नहीं आएगा क्या है, क्या है भाई ये गोत्रोत्र, क्या है रिलीजन, कुछ नहीं समझ में आएगा उनको, तो बोलेंगे हम नहीं मानते। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में क्लैश हो जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन बहुत सारी चीजों में आप देखोगे कि ये कास्ट बेस्ड सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज एक दूसरे पे डिपेंड भी करते थे। अब फॉर एग्जांपल डिपेंडेंस का रीजन क्या देखोगे, ये ट्राइबल सोसाइटीज फॉरेस्ट में रहती थी, फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, पर इन ट्राइबल सोसाइटीज को फॉरेस्ट में रहने की आदत पड़ चुकी है, ये नेचर के साथ रहते हैं। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज हैं जो कि फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, उनको बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती होगी, तो वुड की जरूरत पड़ती होगी, हनी की जरूरत पड़ती होगी, और भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तेंदू लीव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती होगी। तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये कहां से लाएंगे, तो ये ऑब्वियसली बात है ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर क्या डीलिंग कर लेंगे, कहेंगे भाई आप हमें ये सामान दे दो, हम अपने बदले में आपको ये सामान दे देंगे। तो कहीं कहीं पे ये कास्ट बेस्ड सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज एक दूसरे के साथ मिल बांट के भी रहे हैं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखा गया है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी देखी गई है। और ऑब्वियस ही बात है जब ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी एक तरफ और ट्राइबल्स एक तरफ भिड़ेंगे, तो चाहे वो भिड़ रहे हो चाहे वो मिंगल हो रहे हो, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज के कुछ फीचर्स ट्राइबल्स में आएंगे, ट्राइबल्स के कुछ फीचर्स कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आएंगे। ऑब्वियस ही बात है दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ट्राइबल पीपल थे कौन, तो भैया जो हिस्टोरियन थे, ट्रैवलर्स थे, उन्होंने ट्राइबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कम दी। ऑब्वियस बात इन्फॉर्मेशन कम होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो भी ट्रैवलर्स थे ये भैया लार्ज किंगडम्स की जो जहां पे राजा होते थे, राजा रजवाड़ों के बीच में जो सिटीज होती थी वहीं पे घूम फिर के वापस चले जाते थे। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंगलों के बीच में जाके इन ट्राइब्स के रहने, खान पान की चीजों को समझने की कोशिश की है। ट्राइब्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए ट्राइबल पीपल थे अनपढ़, वो उनको बस नेचर के साथ जीना आता था, उनको और ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्होंने किसी भी तरीके के कोई रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए, बट वो अपने कस्टम्स को फॉलो करते थे। एक ट्राइब के जो भी कस्टम्स होंगे वो अपने कस्टम को फॉलो करेगा, उनके जो भी ओरल ट्रेडिशंस होंगे वो कोई गीत गाया करते होंगे, कोई कहानी सुनाया करते होंगे, वो ओरल ट्रेडिशंस वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट करते थे, बाप अपने बेटे को सिखाएगा, बेटा इंटर्न अपने बेटे को सिखाएगा, तो ये कस्टम्स और ओरल जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहे, बट इनको नोट डाउन नहीं किया गया जल्दी। अब आज के जो हिस्टोरियंस हैं, ऑब्वियसली बात है कि ये जो ट्राइबल कल्चर था, ये जो ट्राइबल लैंग्वेज थी दोस्तों, ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर का एक हिस्सा है, ये हमारे ही लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अब ये बोला जाता है कि भाई उस कल्चर को, उस कहानियों को, उन ट्रेडिशंस को भी हमको सेफगार्ड करना चाहिए। तो उस ट्राइब के जो भी लोग अभी एग्जिस्टेंस हैं, जिनको उन ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में पता है, लैंग्वेज के बारे में पता है, कल्चर के बारे में पता है, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, और बनाना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ही देश की धरोहर है। हमारे सबकॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सारे हिस्सों में ट्राइबल पीपल मिल जाते हैं, किसी एक जगह पे कितने ट्राइबल्स होंगे ये चीजें समय के साथ बदलती रही है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। और खास बात ये थी कि जो ट्राइबल्स थे ज्यादातर केसेस में ये नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो ऑब्वियसली बात है इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोकेशन ऑफ लिविंग रेगुलरली चेंज होती रहती थी। कुछ जगहों पे ट्राइब्स बहुत ज्यादा ताकतवर थी, कुछ जगह पे ट्राइब्स बहुत कमजोर थी। जो ताकतवर थी वो बड़े इलाकों में रहती थी, तो आप देखेंगे कि पंजाब में खोखर ट्राइब बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, ये नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, बहुत जरूरी है। पंजाब में खोखर ट्राइब 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। फिर गखर्स की बात करें तो गखर्स भी बाद में इंपॉर्टेंट हो गई, इन गखर्स का जो चीफ था वो था कमाल खान गखर, उसको बाद में एम्परर अकबर ने अपना मनसबदार बना दिया था। फिर मुल्तान और सिंध में दो ट्राइब्स थी जिनका नाम था लंगह और आर्गुंस, ये बड़े बड़े इलाकों में इनका कंट्रोल था, बाद में मुगल्स ने इनको दबाया। बलोचीज अपने आप में एक बड़ी ट्राइब थे दोस्तों, तो यहां देखिए आर्गुंस दिख रहे हैं, लंगह दिख रहे हैं, फिर खोखर दिख रहे हैं, गखर दिख रहे हैं, तो ये सब दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी इंडिया की। बलोचीज आपको दिख रहे हैं दोस्तों, बलोचिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान वाला प्रोविंस है वहां बहुत सारे बलोचीज मिलते हैं, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में बलोची फैले हुए हैं, ठीक है। हालांकि बलोचीज अपने एरिया के लिए रिवॉल्ट कर रहे हैं, वो अपना लैंड चाहते हैं पर पाकिस्तान उनको दे नहीं रहा है। फिर आगे देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो बलोची ट्राइब थी दोस्तों ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थी
पावरफुल थी और कहां पावरफुल थी, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में पावर थी, अभी हमने मैप में देखा। ये बलोची ट्राइब छोटे छोटे क्लैनों में बटी हुई थी, वो क्लैन का अपना खुद का एक चीफ होता था। अब यहां सवाल आता है कि क्लैन क्या होती, तो ये लिखा हुआ है, अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउसहोल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन किंगशिप और क्लैन लॉयल्टीज। यानी कि क्लैन एक ऐसी ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं जिसमें कहा जाता है कि इन सारे फैमिलीज या घरों का जो डिसेंट है वो किसी एक पर्सन से, तो कहा जाता है कि भाई हम उनके डिसेंडेंट हैं, तो जो उनके डिसेंडेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर क्लैन को बिलोंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लैन आपस में अपना एक ग्रुप बना लेगी, और जब वो अपने आप को ग्रुप बना के कंसोलिडेट कर देगी तो वो अपनी फंक्शनिंग में थोड़ी स्ट्रांग भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, वेस्टर्न हिमालय की बात की जाए तो वहां रहते थे भाई शेफर्ड ट्राइब, जो अपने मतलब आप कह सकते हैं कि शेफर्ड्स गाय भैंस भेड़ बकरियों को चराते रहते थे, इनको बोला जाता था गद्दीज, इसके साथ ही बकरवास भी थे, तो भाई आप कह सकते हो वेस्टर्न हिमालय में गद्दीज थे। फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट देखोगे तो वहां पे आपको नागा ट्राइब मिल जाएगी, अहोम ट्राइब मिल जाएगी, बहुत सारी ट्राइब्स मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको नागास दिख रही है, अहोम्स दिख रही है, बाकी ट्राइब्स की अभी बात करते हैं। फिर जो प्रेजेंट डे बिहार है, झारखंड है, वहां पे चेरो ट्राइब उभर के आई थी 12th सेंचुरी के अराउंड। ओके दोस्तों, इन चेरो ट्राइब्स को किसने हराया था, 1591 में राजा मानसिंह ने हराया था, राजा मानसिंह अकबर का जनरल था, इनसे फिर अच्छा खासा पैसा भी लिया गया दोस्तों, पर इनको पूरी तरीके से सबड्यू नहीं किया गया। फिर औरंगजेब के समय में फिर से बहुत सारे चेरो फोर्ट्रेसेस को कैप्चर करके हराया गया, ट्राइब को सबजुगेट किया गया। तो आप देखिए चेरोस के पे अटैक किया गया अकबर के समय पे भी, और अकबर के बाद औरंगजेब के समय पे भी अटैक किया गया, तो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, इस पूरे समय के लिए ये चेरोस थे। तो शुरू शुरू में अकबर के राज में मानसिंह से हारे, फिर बाद में औरंगजेब की फोर्सेस से भी हारेंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों मुंडा और संथल्स, ये मुंडा और संथल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है ईस्टर्न इंडिया की, ये उड़ीसा और बंगाल के इलाके में मिलते हैं। तो ये रहे चेरोस का इलाका, ठीक है दोस्तों, मुंडास संथल्स। आगे चलते हैं, फिर अगर महाराष्ट्र के हाईलैंड्स की बात की जाए, जो महाराष्ट्र के जो ऊंचे पठार वाले इलाके हैं और जो कर्नाटका के हैं, वहां पे कोलीज रहा करते थे, बेराग्स रहा करते थे, दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी कोलीज बेराग्स। तो रीजन के साथ साथ इनकी ट्राइब्स, आई होप आप अपने नोट्स में लिखते चल रहे हैं या फिर इस किताब की हार्ड कॉपी है तो हाईलाइटर से मार्क करते रहिए। मैं तो कहूंगा देखिए हर दोस्तों हर किताब की आप कॉपी रखिए और हाईलाइटर में बहुत लिमिटेड अमाउंट में मार्क करिए, ताकि एग्जाम से पहले आप काफी सारा रिवीजन इनसे कर सको, क्योंकि एक बड़ी किताब तो बड़ी है लेकिन अगर आपने हाईलाइटर से छोटी छोटी चीजों को मार्क कर रखा है तो आप रिवीजन को बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं, तो भाई जो कोलीज थे गुजरात के बहुत से इलाकों में रहते थे, फिर और साउथ में आएंगे दोस्तों तो आपको कोरागास, वेतर्स, मारवाड़ ये कम्युनिटी मिलेगी। तो गुजरात के साउथ में आपको कोरागास, वेतर्स, मारवाड़ ये कम्युनिटी मिलेगी, मारवाड़ी कम्युनिटी तो है ही सब गुजरात में, एक गुजरात की कम्युनिटी थी इसको बोलते हैं कोलीस, लिख लीजिए। फिर वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भील्स नाम की कम्युनिटी फेमस थी दोस्तों। लेट 16th सेंचुरी तक आते आते ये जो भील्स हैं ये सेटल्ड एग्रीकल्चरल बन गए, यानी पहले तो ये इधर से उधर घूमते रहते थे, फिर एक जगह पे सेटल होकर इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए, आप कह सकते हो जानवर पालने शुरू कर दिए, और बाद में बन गए ये जमींदार दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे भील क्लैंस थे जो हंटर गैदरर ही रहे, वो कभी सेटल्ड हुए ही नहीं। फिर अगर हम लोग गोंड ट्राइब की बात करें दोस्तों, तो गोंड ट्राइब्स आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिलती है। आई होप आप सब नोट करते जा रहे हो, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, लिख रखा है भील हंटिंग डियर एट नाइट, तो भील कम्युनिटी रात में डियर्स का हंट कर रही है, एक अच्छी सी पेंटिंग दिखा रखी है। यहाँ पे देखिए ट्रेड हो रहा है इस पिक्चर में, अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिगर 3, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। भैया सेंट्रल एशिया से लोग अपने कैमल्स पे इस सामानों को भर के लेके आया करते थे और इंडिया में आके इनको बेचा करते थे। इंडिया में जो बंजारे होते थे और जो दूसरे ट्रेडर्स होते थे वो इन ट्रेडर्स से, सेंट्रल एशिया के ट्रेडर्स से सामान लेते थे, और फिर ये बंजारे और ट्रेडर्स इंडिया में अलग अलग जगहों पर घूम कर इन चीजों को बेचा करते थे। तो यहां पे बंजारा, देखिए बंजारा
एक नोमैडिक कम्युनिटी है, बंजारा एक नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर ट्रेड करती थी। इस बंजारा के बारे में यूपीएससी में डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल आया है। इनफैक्ट यहां पे जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब यूपीएससी के प्रीलिम्स से बहुत, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दोस्तों बहुत है। हाँ, लोग इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। तो देखिए, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट थे, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट यानी कि जो अपने भेड़ बकरियां अपनी गाय बछियां लेके निकल जाया करते थे दूर दूर तक, वो अपने एनिमल्स के साथ दूर दूर लंबे लंबे डिस्टेंसेस जाते थे और वो अपने एनिमल प्रोडक्ट्स पे जीते थे। और भी बहुत सारे पास्टोरल प्रोडक्ट्स थे भाई, घी आता है, वूल निकलता है भेड़ बकरियों से, ठीक है। तो इन सब फिर आप देखोगे कि ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट थे ना दोस्तों, ये बाकी चीजों को सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट से बदलते थे। तो ये एक जगह पे दूसरी जगह जाते रहते थे, तो दूध दही तो इनके पास बहुत था, दूध दही घी ये सब चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत थे, मीट बहुत था इनके पास, लेकिन इनके पास धान नहीं होते थे क्योंकि कहीं पे रुक के एग्रीकल्चर नहीं करते थे। तो जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट रास्ते में मिलते थे, फार्मर वगैरह जो इनको मिलते थे, उसके साथ भाई अपनी धाने क्लोथ यूटेंसिल्स ये सब ले लिया करते थे और अपने कुछ प्रोडक्ट्स उनको दे दिया करते थे। एक तरीके का बार्टर सिस्टम था उस समय पे। फिर they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. ये बात किसकी हो रही दोस्तों? तो ये बात हो रही है आपकी how nomads and mobile people lived, यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो क्या करते थे भाई, एक जगह से सामान को खरीदेंगे और दूसरे जगह पे जाके सामान को बेच देंगे। और ये वही कर सकते हैं because they are regularly on the move. और इसमें एक कम्युनिटी बहुत आगे थी जिसको आप बोलते हैं बंजारा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नोमैड कम्युनिटी थी ये। इनका जो कैरावेन होता था इसको बोला जाता था तंडा। तंडा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द कैरावेन ऑफ बंजारा वाज कॉल्ड टंडा। कैरावेन मतलब कि बहुत बड़ा एक ग्रुप इन बंजारों का। कैरावेन का मतलब ये, तो मतलब एक कैरावेन में भैया 100, 200, 300, 500, 600 आदमी हो सकते हैं, छोटा मोटा नहीं होता था, इसको तंडा कहा जाता था। अब जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे दोस्तों, ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारों की मदद लेते थे ताकि ग्रेन को उन इलाकों से जहां पे उनको प्रोड्यूस किया गया सिटी मार्केट्स तक लेके जाया जा सके। अब जो सिटी थी, जो मेन कैपिटल सिटी थी, बिल्कुल वहीं पे एग्रीकल्चर थोड़ी ना हो रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज तो बहुत बड़े इलाके में था, तो जहां जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से चीजों को सिटी के मार्केट में लेके आना पड़ेगा। तो कौन लेके आएंगे? तो बंजारे लेके आएंगे। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों की मदद ली। फिर एम्परर जहांगीर, एम्परर जहांगीर ने अपनी मेमोर्स में लिखा है, बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स विद अ लार्ज आर्मी, देयर कुड बी 1,00,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन। यानी कि ये बंजारे अपने बैल गाय भैंस गधों पे इन ग्रेन्स को चढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चीजों को बेचने के लिए भी लेके जाते थे। फिर जब मुगल आर्मी किसी कैंपेन पे जाती थी तो भैया हजारों सोल्जर्स थे मुगल आर्मी में, सबको खाना चाहिए, डेली 3 टाइम का खाना चाहिए, तो डेली 3 टाइम में खाने के लिए ग्रेन भी होना चाहिए, तो वो ग्रेन इस मुगल आर्मी के साथ लेके चलते थे ये बंजारे, ठीक है। तब कभी भी आप देखोगे दोस्तों, जो उनकी लोकल वॉर स्ट्रेटजी हुआ करती थी ना उस समय पे, लोकल वॉर स्ट्रेटजी, तो मान लीजिए मुगल आर्मी की टुकड़ी कहीं जा रही है, पास में कोई राजपूत आदमी की टुकड़ी जा रही है, दोनों के बीच में कोई लड़ाई होनी है, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है, तो एक टुकड़ी अगर किसी दूसरी टुकड़ी के ऊपर प्लान करेगी ना अटैक, तो वो एक स्ट्रेटेजिक अटैक प्लान करने के लिए क्या करेगी कि ये जो बंजारे चल रहे थे ना इनके साथ, जो इनका खाना लेके चल रहे हैं, इन बंजारों पे अटैक करेंगे, इनको मार के इनके खाने को जलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत होती थी उस टाइम पे कि भाई कैसे हराया जाए। तो ये जो बंजारे अपने भेड़ बकरियां लेके चलते थे, सॉरी गाय भैंस लेके और अपने कैरावेंस लेके चलते थे जिसमें मुगल आर्मी खाना लेके चलते थे, वो काफी वल्नरेबल होते थे। तो मुगल आर्मी उनको प्रोटेक्ट किया, जिस आर्मी के साथ भी जा रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करके रखती थी क्योंकि उनका खाना उसी से आना था। तो यहां पे देखते हैं नोमैड्स एंड आइटिनरेंट ग्रुप्स। ये नोमैड्स थे वॉन्डरिंग पीपल, बहुत सारे इसमें पैस्टोरिस्ट थे जो अपने पैस्चर को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अपने कैटल को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। फिर सिर्फ ये ही नोमैड नहीं थे, कुछ और आइटिनरेंट ग्रुप्स थे। ये आइटिनरेंट ग्रुप्स थे क्या है? तो भाई क्राफ्ट पर्सन, जिसके पास कोई क्राफ्ट है तो आर्ट अच्छी बना सकता है, स्कल्प्टर अच्छे बना सकता है, फिर पेडलर्स, फिर इंटरटेनर्स जो भाई ड्रामा कंपनी में काम करते थे, नाटक नौटंकी करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह रेगुलरली मूव करते थे।
तो बोले इस टाउन वन में आज है कर्नाटक, परसों दूसरे टाउन में नौटंकी है, तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और उस समय पे कोई टीवी मोबाइल तो होता नहीं था दोस्तों, इंटरनेट, तो भाई यही लोग जाके लोगों को तमाशे दिखाया करते थे और लोगों का इंटरटेनमेंट का साधन ही यही थे। तो आप देख सकते हैं कि इन नोमैड्स का और इन आइटिनरेंट ग्रुप का अपना एक पैटर्न बन गया था, और उस पैटर्न के हिसाब से एक साल में जगह जगह पे जाते रहते थे। तो अगर कोई नोमैड बन जा रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसका टाइम फिक्स होगा कि इस समय पे यहां से सामान खरीदना है और इस समय पे यहां पे जाके सामान बेचना है। उसी तरीके से आर्टिस्ट थे दोस्तों कि भाई आज यहां पे नाटक नौटंकी है, 3 महीने बाद वहां पे नाटक नौटंकी है, 4 महीने बाद वहां है, 5 महीने बाद वहां है। तो उनका टाइम फिक्स था कि यहां पे अभी यहां है, इस हिसाब से हम लोग यहां पे ट्रेवल करके अपना काम करेंगे। ऐसे होती थी चीजें। अगर बंजारा की बात करेंगे, बंजारा के बारे में एक रिकॉर्ड छोड़ा है पीटर मुंडी करके, एक इंग्लिश ट्रेडर थे। क्या बोला इन्होंने देखते हैं भाई, ये आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। इन्होंने बंजारास को देखो किस तरीके से डिफाइन किया। एक मॉर्निंग में ये मिले एक बंजारे के टंडा से, टंडा मैंने बताया था ना, बंजारा के कैरवन को टंडा बोलते हैं, उसमें 14,000 ऑक्सन थे। ऑक्सन क्या होता है, ये रहा ऑक्सन आपके सामने, अगर आपको ना पता ऑक्सन क्या होता है। तो भाई 14,000 ऑक्सन थे और उन सबके पीठ पे लदे हुए थे ग्रेन्स, ठीक है। तो ये ऑक्सन हो सकता है किसी एक गाड़ी टाइप को खींच रहे हो, उस गाड़ी पे ग्रेन्स लदे हुए, तो उसमें वीट भी था, राइस भी था। फिर ये जो बंजारे चलते थे, ये अपनी पूरे खानदान, पूरी फैमिली को लेकर चलते थे, तो इनकी बीवी बच्चे इनके सब साथ चलते थे। और एक टंडा में बहुत फैमिलीज होती थी और इनकी लाइफ का हिस्सा था कि भाई दे विल रेगुलरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो ऑक्सन थे, जो इनके जानवर थे, ये इनके खुद के थे। ओके, अब ये जो बंजारे थे, ये भाई खुद मर्चेंट भी थे। मर्चेंट कैसे थे कि भाई ये एक जगह से सामान खरीद रहे हैं और दूसरी जगह पे बेच रहे हैं, तो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है मर्चेंट होंगे, तो ज्यादातर ये मर्चेंट भी थे। ओके, फिर जैसा कि मैंने बताया कि दे बाय ग्रेन वेर इट इज चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू प्लेसेस वेर इट इज डियरर। फिर बहुत सारे केसेस में जो छोटे बंजारे हुआ करते थे, जो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, उनको दूसरे मर्चेंट हायर करते थे। जैसे मान लीजिए एक टाउन में कोई एक मर्चेंट है और दूसरे टाउन में दूसरा मर्चेंट है, तो वो मर्चेंट आपस में जो सामान की अदला बदली करेंगे, उसके लिए वो कुछ लोगों को हायर करेंगे। तो एक छोटा बंजारे ग्रुप को हायर कर लेंगे, उससे बोलेंगे भाई तुम मेरा सामान वहां से लेके जाओ और वहां से वो ये सामान देगा, वो लेके यहां आ जाना। तो ये काम भी करते थे बंजारे। ओके, अब देखिए जहां पे ये जाएंगे, कहीं एक जगह से वो एक सामान को खरीदेंगे और दूसरी जगह पे जाके उस सामान को थोड़े ज्यादा में बेचेंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो। फिर जहां पे जाके वो सामान को बेच रहे हैं, वहां से कोई एक ऐसा सामान वो उठाएंगे जिसको वो किसी तीसरी जगह पे बेच सके या अपने ओरिजिनल प्लेस पे बेच सके। तो इस तरीके का इनका काम था। एक समय पे एक टंडे में 600 से 700 लोग होते थे और वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मील चलते थे। इवन ठंडे वेदर में वो 6 से 7 मील चलते थे मैक्सिमम, गर्मी में हो सकता थोड़ा और कम चले। और फिर चूंकि उनको अपने जानवरों को आराम देना होता था, अगर वो जानवरों को एक लिमिट से ज्यादा दबाएंगे तो जानवर मर जाएंगे, तो जैसे ही वो कहीं रुकते थे जानवर को अनलोड कर देते थे, वो जानवर वहां पे आराम से घास चरते थे। तो ऑब्वियस बात है किसी एक ऐसी जगह पे रुकेंगे जहां पे जानवरों के चरने के लिए ठीक ठाक घास अवेलेबल हो। इस तरीके से दोस्तों ये बंजारे इधर से उधर घूमा करते थे। फिर आप देखोगे कि बहुत सारी जो पेस्टोरल ट्राइब्स थी या बंजारे थे, ये एनिमल को रियर करते थे, कैटल रियर करते थे और उनको बेचते थे। तो कैटल भेड़ बकरियां गाय भैंसे भी बेची जाएंगी, घोड़े भी बेचे जाएंगे। खरीदेगा कौन, जिन लोगों के पास पैसा है वो खरीदेंगे। फिर अलग अलग कास्ट थी इनकी, कास्ट के हिसाब से भी ये बंजारे बन गए थे दोस्तों। एक विलेज से दूसरे विलेज पे जाते थे और वहां पे जाके अलग अलग चीजें बेचते थे। तो रस्सियां, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग, कोर्स सैक्स आप समझ लीजिए जो बोरियां होती ना, जिन बोरियों के अंदर आप सामान भरते हो, उसको आप कोर्स सैक कह सकते हो। Sometimes mendicants acted as wandering merchants. Mendicants क्या होते हैं? तो mendicant होता है दोस्तों एक आदमी जो भीख मांगता है। अब जो आदमी भीख मांगता है वो तो जगह जगह जाके भीख मांगेगा, तो भाई उसके भीख मांगने का पैटर्न होगा कि यहां से शुरू होगा और वहां तक जाके भीख मांगेगा। तो जहां से शुरू होगा वहां पर कुछ लोग अपना सामान दे देंगे कि भाई ये सामान जाके वहां दे देना, इतने पैसे ले ले। तो ये भिखारी भी कभी कभी ऐसा wandering merchant का काम करते थे। फिर entertainers की अपनी एक कास्ट थी, तो भाई इस कास्ट के लोगों को कहा जाएगा कि भाई ये नाचने वाले हैं, गाने नाचने वाले हैं, अलग अलग जगह की नौटंकी करते हैं ये। तो अलग टाउन्स में, अलग विलेजेस में जाके नौटंकी करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। कुछ तो इतने फेमस थे कि टाउन्स और विलेज के लोग इंतजार करते थे कि भाई अब नौटंकी के लिए कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए फिगर 4 में कुटिया कोंड ट्राइब उड़ीसा की एक ब्रॉन्ज फोटोग्राफ बनाया उसने, ये फोटो में आपको नजर आ रहा है।
फिर हम बात करेंगे चेंजिंग सोसाइटी, कैसे सोसाइटी चेंज हुई, कैसी नई कास्ट आई और नई कास्ट में हायरार्की किस तरीके से आई। अब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जो हमारा समाज है उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, जरूरतें बढ़ेंगी तो अलग अलग स्किल्स के लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए हमारी लग्जरी बढ़ती तो लग्जरी के साथ साथ हमें चीजें चाहिए दोस्तों। तो भैया आज की डेट में देखिए, वैसे तो नॉर्मली हमको एक चूल्हा और एक बेड के गद्दे से हमारा काम चल जाएगा। पहले तो क्या लोग जमीन पे सोते थे, फिर जमीन में सोने के बाद उन्होंने चादर बिछानी शुरू कर दी, फिर चादर बिछाने के बाद उन्होंने दरी बिछानी शुरू कर दी, फिर बोला नहीं भाई चारपाई चाहिए, फिर बोला नहीं भाई बेड चाहिए, अब बोला भैया डबल बेड चाहिए, अब डबल बेड के साथ भैया वो करलॉन का स्लीपवेल वाला मैट्रेस चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी लग्जरी बढ़ेगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपकी जरूरतें बढ़ेंगी। तो उस समय पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी की जरूरतें बढ़ी, उन जरूरतों को पूरे करने वाले जो लोग थे वो भी बढ़े। तो उन जरूरतों को पूरे करने वाले लोग में छोटी छोटी जातियां बननी शुरू हो गई। तो जो वर्ण है, अब वर्ण में देखोगे दोस्तों कि शूद्रों के अंदर और वैश्यों के अंदर छोटी छोटी और बड़ी सारी जातियां बननी शुरू हो जाएंगी और वो जातियां अपने काम में स्पेशलाइज करेंगी। ठीक है, ब्राह्मण के अंदर भी आपको दिखेगा कि बहुत सारी कास्ट बनेगी, क्षत्रिय के अंदर भी दिखेगा कि बहुत सारी कास्ट बनेगी, फिर बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स को इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी में ले लिया जाएगा और उस कास्ट बेस्ड सोसाइटी के किसी एक वर्ण के अंदर एक छोटी जाति की उपाधि इनको दे दी जाएगी। तो वैश्यों के अंदर कुछ लोग को उपाधि दे दी गई कि तुम लोहार का काम करोगे, तुम कारपेंटर का काम करोगे, तुम मिस्त्री का काम करोगे। ओके, और ये रिकॉग्निशन ब्राह्मण ने भी दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण का भी जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा था, क्षत्रिय का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा था। तो क्षत्रियों में देखोगे कि भाई सब लड़ने वाले नहीं है, पीछे हथियार बनाने वाले एक कास्ट बन गई। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे ब्लैकस्मिथ्स भी आपके इन क्षत्रिय वर्ण में पहुंच गए। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी दोस्तों, जरूरतों के हिसाब से एक बड़े वर्ण के अंदर छोटी छोटी जातियां बना दी गई और उन जातियों को कर दिया गया स्पेशलाइज, यानी उस जाति के लोग वही एक पर्टिकुलर काम करेंगे। और अब वर्ण नहीं था ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का बेस, यानी कि सोसाइटी को बेस एज अ बेस हायरार्की बनाने के लिए वर्ण का इस्तेमाल ना करके जातियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, लोगों को लोग जाति के नाम से जाने लगे। अरे वो तो कुम्हार जाति का है तो वो सिर्फ घड़े बनाएगा, समझ गए दोस्तों, ये हो गई चीजें। अगर जाति के बारे में बात की जाए तो एक 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन मिलता है उयाकोंडन उदयार से, आई एम सॉरी तिरुचिरापल्ली में जगह है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम रियली सॉरी। तो तिरुचिरापल्ली तालुका है प्रेजेंट तमिलनाडु में, वहां पे एक सभा में क्या बातें चल रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सभा क्या होती है इसके बारे में चैप्टर 2 में बता रखा है। अब एक रथाकारास करके एक ग्रुप है, उनके स्टेटस के बारे में सभा में बात चल रही है। रथाकारास क्या है, ये चैरियट बनाते हैं। तो उस समय पे जो चैरियट नहीं चलते दोस्तों कि आगे दो पहिया लगे हैं, पीछे दो पहिया लगे हैं, आगे दो घोड़े बने हुए हैं और एक खींच खींच के चल रहे हैं, तो ये थे चैरियट। तो चैरियट बनाते तो रथाकारास ग्रुप की बात हो रही थी। तो रथाकारा ग्रुप की जब बात हो रही थी तो पता ये लोग बात कर रहे थे कि भाई ये रथाकारा करेंगे क्या, तो ये इनका आर्किटेक्चर बनाएंगे, कोचेस बनाएंगे, चैरियट्स बनाएंगे, फिर टेंपल के गेटवे को बनाने में भी रथाकार का इस्तेमाल किया जा सकता है, वुडन इक्विपमेंट को बनाने में भी रथाकार का इस्तेमाल किया जा सकता है, उस वुडन इक्विपमेंट को बनाने में जो सैक्रिफाइस करने में इस्तेमाल किया जाता है, मंडप को बनाने में भी रथाकार का इस्तेमाल किया जाता है, एक किंग के गहनों को बनाने की ऑर्नामेंट्स को बनाने में भी रथाकार का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्षत्रियों में बहुत सारी राजपूत क्लैंस उभरी और ये राजपूत क्लैंस 11th और 12th सेंचुरी के समय पे बहुत फेमस हुई। इनमें कुछ नाम है हुनास, चंडेलास, चालुक्यास। ये हुन, चंडेल, चालुक्य ने किसी एक समय पे हमारे देश के किसी एक राज में राज किया है। अब ये पहले थी ट्राइब्स, ओके दोस्तों। फिर ये ट्राइब्स ने धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट करके इतना स्ट्रांग कर लिया कि बाद में बन जाएंगे राजपूत। अब ये राजपूत कैसे बनेंगे दोस्तों, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो भाई एग्रीकल्चरल इलाके में, फॉरेस्ट में ट्राइब्स थी, ये ट्राइब्स के इनको खुद रूलर्स थे। धीरे धीरे ट्राइब्स कंसोलिडेट होनी शुरू हुई, इनका एक लीडर आया, उस लीडर ने पुराने लीडर्स को हटा दिया और बाद में यही ट्राइब्स पावरफुल स्टेट्स बनाएंगी। ठीक है, और ये अपने आप को किस कैटेगरी में ले आएंगे, तो ये अपने आप को ले आएंगे दोस्तों राजपूत कैटेगरी में। अब राजपूत कैटेगरी में लेके कैसे आएंगे, चूंकि ये वर्ण सिस्टम में तो ट्राइबल्स हैं, तो राजपूत कैटेगरी में देखिए जिसके पास ताकत वो सब कुछ कर सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना, आप किसी ब्राह्मण के घर के बाहर आप खड़े हो 100 सैनिक को लेके और ब्राह्मण से बोल रहे हो भाई तुम मुझे छत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो ब्राह्मण क्या मना कर देगा,
वो देख रहा 100 लोग सामने खड़े तलवार लेके मेरे को उड़ा देंगे अभी गर्दन मेरी, तो बोलेगा नहीं 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 भैया बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने जो टॉप क्लास के लोग थे इन्होंने अपने फायदे के लिए नीचे के लोगों को दबा दिया। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो नई ट्राइब्स बन के आगे आएंगे हूना चंडेल चालुक्य, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने अपने आप को हायर ट्राइब्स में शामिल करने की कोशिश की। तो ये हूना चंडेल चालुक्य से जो राजपूत क्लैंस आएंगी ना ये क्या करेंगी, ये ब्रह्मनास के साथ साठगांठ करके अपने आप को क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा बना लेंगे, और क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा बनते राजपूत क्लैंस बन जाएंगे और ये फॉर्मली रूलर बन जाएंगे। मतलब ये भी क्या कर रहे हैं कि जो वर्ण सिस्टम जो जाति सिस्टम सोसाइटी में चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, बस ये अपने आप को एक हायर वर्ण एक हायर जाति में लेके आ रहे हैं और उसका इनको अप्रूवल भी मिल गया ब्रह्मनास से। ब्रह्मना क्यों नहीं अप्रूवल देंगे, ब्रह्मन तो सबसे ज्यादा चालू थे, ठीक है उनको पता है भाई कि ताकतवर आदमी से बना के रखना है और कमजोर आदमी को दबाना है। ओके तो इस तरीके से चीजें उस समय हो रही थी दोस्तों। लेकिन बात ये थी कि जो ट्राइबल फैमिलीज थी जो ना ताकतवर हो रही थी, केवल जो बड़ी ट्राइबल फैमिली थी जिनके पास ताकत थी अच्छा खासा इलाका था अच्छी खासी मैन फोर्स थी वही केवल रूलिंग क्लास में आ रहे थे। जो बाकी ट्राइबल्स थे वो भाई लोअर जातीज में पहुंच रहे थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे। ओके फिर बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स रही हमारे देश की जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई ये इस्लाम धर्म तो हमको इक्वालिटी दे रहा है, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो इतना बंटवारा है भाई, तुम लोग खुद तो टॉप पे बैठ गए नीचे वालों को दबा रहे हो, तो हम तुम्हारे हिंदू धर्म को मानेंगे नहीं, हम तो भाई इस्लाम धर्म को मानेंगे क्योंकि इस्लाम धर्म में अल्लाह के सामने सब एक है। तो उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में प्रॉब्लम थी ना, ऑर्थोडॉक्स हिंदू धर्म था वो, ठीक है अनइक्वल सोशल ऑर्डर था और वो इन इलाकों में माना नहीं गया। क्यों मानेंगे लोग जब तुमने हिंदू धर्म में एक स्पेसिफिक क्लास के लोगों को नीचे दबा दिया तो क्यों तुम्हारे धर्म को मानेगा, वो तो वहां जाएगा ना जहां उसकी इज्जत है। तो ये जो हिंदू के धर्म के ठेकेदार बैठे थे उस समय पे पंडित, इन्होंने हिंदू धर्म को स्ट्रांग नहीं किया, इन्होंने केवल अपने आप को स्ट्रांग किया। ओवरऑल इस कास्ट सिस्टम के थ्रू इन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर कर दिया। फिर आप देखोगे दोस्तों द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग ट्राइबल पीपल। टू एग्जांपल्स ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। इस फोटो में देखिए एक बोन्ड वुमन की फोटो है दोस्तों आपके पास, एक ट्राइबल वुमन आपको नजर आ रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं फिर इस क्लोजर लुक पे भी आएंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कई बार मैंने वैसे ज्योग्राफी में बता रखा है कि भाई एक जगह पे जो भी ट्रीज हैं बुशेज हैं झाड़ वूड हैं उसको आप काटोगे और जो नीचे के थोड़े बहुत डंठल अंठल बचे हैं उसको आप जला दोगे। जब जला दोगे तो बहुत सारे ऐश इकट्ठा हो जाएगी। कहा जाता है कि ये जो ऐश है ये बहुत फर्टाइल ऐश होती है, इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ये ऐश सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। कुछ हद तक ये बात देखे सही भी है। और फिर वहां पे ये लोग खेती करते हैं, जब वो सॉइल फिर से खेती करने लायक नहीं हो जाता, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, तो फिर वो किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो जैसे जहां फिर वो एक जिस जगह को इस्तेमाल कर लेंगे, जब वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होगी फर्टाइल नहीं रहेगी तो किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे, और इस जगह पे जिसको पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको 10-12 साल के लिए खाली छोड़ देंगे, तो 10-12 साल में वो जगह फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब यहां बात करते हैं गोंड्स की। देखिए गोंड्स एक बहुत बड़े फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे जिसको बोला जाता है गोंडवाना। ये गोंडवाना वो जगह थी इंडियन पेनिनसुला में जहां पे गोंड्स रहा करते थे। आप जाके गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इस गोंडवाना को उस गोंडवाना से कंपेयर मत करिएगा जो पेंजा से टूटा था, ये दूसरा है। ये एक इलाका है इंडिया में जहां पे गोंड्स रहते थे, ठीक है। तो गोंड्स ट्राइब्स कहां रहती थी जाके पता करने की कोशिश कीजिए, खुद काम खुद भी करिए। तो ये गोंड्स करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी जो बड़ी गोंड ट्राइब थी इन्होंने अपने आप को छोटी छोटी क्लैन में तोड़ रखा था और हर क्लैन का अपना खुद का एक राजा था जिसको राय भी बोलते थे। ओके जब दिल्ली सुल्तान का राज थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हुआ तो कुछ जो बड़े गोंड किंगडम थे ना उन्होंने राज्य को कंसोलिडेट किया, ठीक है ना। मतलब बड़े गोंड किंगडम्स ने छोटे छोटे गोंड चीफ्स को दबाया, उनको सब्जुगेट किया और अपने जो गोंड किंगडम था उसको कंसोलिडेट करके बड़ा बनाया। गोंड के बारे में आपको अकबरनामा मिल जाएगा। अकबरनामा में अकबर के रेन के बारे में लिखा है, उसमें बोला गया कि जो गोंड किंगडम था गरहा कटंगा का, इसमें 70,000 विलेजेस थे इसको। और इन किंगडम्स का जो गोंड किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना हाईली सेंट्रलाइज था, बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोल था। तो हर पूरे किंगडम को गढ़ में डिवाइड किया गया था और हर गढ़ को एक गोल्ड क्लैन कंट्रोल करती थी। उसके बाद ये जो क्लैन थी जो गढ़ था आपका, ये गढ़ भैया फर्दर
84 विलेजेस की यूनिट्स में बटा हुआ था। तो हर गढ़ में बहुत सारे 84 होंगे और एक 84 में 84 विलेजेस होंगे। और ये जो 84 था जिसमें एक 84 विलेजेस थे, ये 84 बटा हुआ था बारहोत में, एक बारहोत में 12 विलेजेस थे, तो एक 84 में आपके 7 बारहोत हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये गोंडवाना रीजन दिखा रखा है आपको। ओके, तो भाई जब ये बड़े स्टेट्स निकले ना गोंड सोसाइटी में, तो गोंड सोसाइटी का पूरा नक्शा ही पलट गया दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि एक अंपायर टाइप का बना लिया, हालांकि एम्पायर बहुत ज्यादा दिन तो नहीं रहा, बट अच्छे खासे समय के लिए एम्पायर रहा, सेंट्रलाइज लीडरशिप हो गई। आप कह सकते हो कि एक कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर इलाके में एक राजा सा बन जाता है, उसका उस इलाके पर कंट्रोल होता है, कुछ ऐसा सा हो गया यहाँ पे। फिर अब होता क्या कि जब तक ये गोंड ट्राइब्स थे तब ये लोग आपस में बराबर थे, इक्वल थे। जैसे ही सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप आई तो जो लोग लीडरशिप में थे वो एक अलग क्लास हो गए और जो लोग नीचे थे वो एक अलग क्लास हो गए। तो यहां पे भी सोशल क्लासेस बन जाएंगी, कुछ रूलर्स होंगे और उनके रूलर्स नीचे हो जाएंगे, तो रूलर्स में भी अलग अलग क्लासेस बन जाएंगे। तो कोई हायर लेवल पे भाई लीडर है, कोई लोकल लेवल पे लीडर है, तो कोई 84 का लीडर है तो बड़ा होगा, कोई बारहोत का लीडर है तो 84 वाले लीडर से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इनके अंदर जो लोग थे वो नीचे ही रहे। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने भी अपनी सोसाइटी को क्लास के हिसाब से बांटा और इन गोंड राजा ने भी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट देने शुरू कर दिए। और ब्राह्मण ने इनको क्या अथॉरिटी दी कि भाई आप राज करो, आप राजा हो, आप इन्फ्लुएंशियल हो। तो इन गोंड का मन किया कि भाई मैं भी राजपूत क्लैन में, राजपूत वर्ण में आना चाहता हूं, और वो राजपूत वर्ण में आया भी। तो अब देखिए यहां पे गोंड राजा क्या करना चाह रहा है, यहां पे गोंड राजा भी वर्ण आश्रम को प्रमोट कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि मुझे राजपूत वर्ण में ले आओ, मतलब कि हम राजा रहे बाकी सोसाइटी कैसे भी रहे। तो इन गोंड्स की जो सोसाइटी पहले में इक्वल थी, आपस में जो लोग बराबर थे, इन्होंने खुद ही मरही कर दी और खुद ब्राह्मण को बोला कि भैया हमें राजपूत बना दो। ब्राह्मण ने बोला बिल्कुल आइए भाई, ब्राह्मण को तो लैंड ग्रांट मिल रहे थे, ब्राह्मण तो हर जगह से फायदे में थे, पूजा करो हीरो बनो, ठीक है। तो इन्होंने लैंड ग्रांट्स ले लिए। तो एक देखेंगे कि एक गोंड राजा था गरहा कटंगा का, अमन दास नाम का, उसने टाइटल लिया संग्राम शाह, राजपूत बन गया ये। उसने किससे शादी की, उसका जो बेटा था दलपत, संग्राम शाह का बेटा हुआ दलपत, उसके दलपत ने शादी की प्रिंसेस दुर्गावती से। ये दुर्गावती डॉटर थी सलबहान की, सलबहान चंडेल राजपूत राजा था महोबा का। तो देखिए कैसे ये गोंड ट्राइब्स अपने आप को राजपूत बदला और उसके बाद इनके बच्चों ने दूसरी राजपूत प्रिंसेस से शादी की। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम भाई ट्राइब्स थे और आज देखो हम राजपूत बन गए। तो राजपूत बनना इनके लिए स्टेटस सिंबल था। फिर आप देखेंगे दलपत जल्दी मर जाएगा, तो जो रानी दुर्गावती होगी, ओके, दलपत गोंड चीफ था, उसकी रानी थी दुर्गावती, दुर्गावती बहुत कैपेबल थी, उसका एक 5 साल का बेटा था, उस 5 साल के बेटे पे बिहाफ पे उसने रूल करना शुरू किया, इस बेटे का नाम था वीर नारायण। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूं ना दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है, ये नाम ये डायनेस्टीज है, याद रखिएगा, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। फिर अच्छा एक फिगर से देख लिया, कारडोर गोंड ट्राइब बस्तर मध्य प्रदेश, तो बस्तर नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे गोंड ट्राइब के द्वारा इस्तेमाल किया जाना एक कार्ड, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गाय दिख रही है, यहाँ पे आपको हाथी दिख रहा है और भी चीजें दिख रही है। तो वीर नारायण जो कि 5 साल का बेटा था, उसके बिहाफ पे रानी दुर्गावती राज करने लगी, चूंकि जो हस्बैंड था दलपत वो मर चुका था। तो भैया रानी दुर्गावती कैपेबल थी, इनके राज में जो उनका राज था बहुत बड़ा हुआ, लेकिन 1565 में मुगल फोर्सेस ने असफ खान की लीडरशिप में अटैक कर दिया गढ़ा कटंगा पे। गढ़ा कटंगा पे राज किसका था, रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती ने बोला कि भैया हम रेजिस्टेंस करेंगे, हम इनके सामने हथियार नहीं डालेंगे। अब 1565 में जब अटैक हुआ था तो राजा कौन था मुगल एम्परर का, 1556 में मैंने बताया था अकबर गद्दी पे बैठा, 1556 से 1605 तक, तो ऑब्वियस ये बात है अकबर राजा था। तो मुगल फोर्सेस अटैक करेंगे असफ खान के अंदर, रानी दुर्गावती नहीं मानेंगी, सब्जुगेट नहीं करेंगी, रानी दुर्गावती कहेंगी कि हम लड़ेंगे, वो लड़ेगी और वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, बाद में उसका सन भी लड़ते लड़ते मर जाएगा और मुगल्स पूरी तरीके से इन गोंड्स को सब्जुगेट कर देंगे। गढ़ा कटंगा को जीतने से मुगल्स को बहुत फायदा हुआ, बड़ा रिच स्टेट था, तो बहुत सारी वेल्थ मिल गई यहाँ पे मुगल्स को, ठीक है, उनको बहुत सारा वाइल्ड एलिफेंट्स मिल गए, अच्छी खासी वेल्थ मिल गई, चूंकि गोंड जो राज बन गया था ना गढ़ा कटंगा का, काफी रिच राज था ये, बहुत सारे प्रेशियस कॉइन्स मिले, एलिफेंट्स मिले, इन एलिफेंट्स को उन्होंने अपनी आर्मी के लिए भी रखा, बहुत सारे एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट भी किया, दूसरे भागों में बेच के पैसा कमाया, बहुत सारे किंगडम को इन्होंने
एनेक्स कर लिया, एक बड़े पार्ट ऑफ द किंगडम को एनेक्स कर लिया, जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा था ना, तो वीर नारायण का एक अंकल था चंद्रशाह, उसको दे दिया कि जा तू राज कर। गढ़ा कटंगा गिर गया, लेकिन कुछ समय के लिए गोंड किंगडम बचा रहा। लेकिन अब जो ये गोंड किंगडम था वो पहले के गोंड किंगडम जितना स्ट्रांग नहीं था, अब ये गोंड किंगडम काफी कमजोर हो चुका था। बाद में देखेंगे कि ये गोंड किंगडम बुंदेलास के साथ भी लड़ाई करेगा, मराठास के साथ भी लड़ाई करेगा और वहां पे हारेगा, क्योंकि अब ये उतना स्ट्रांग नहीं रह गया था। आगे हम बात करेंगे अहोम्स की। अहोम्स भैया म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्रा वैली में 13 सेंचुरी के लगभग। इन्होंने एक नया स्टेट बनाया। कैसे बनाया कि ये ब्रह्मपुत्रा वैली में आए, तो ब्रह्मपुत्रा वैली में पहले से कुछ लोग रह रहे थे, जैसे भूयांस रह रहे थे जिनको लैंडलॉर्ड्स बोलते थे, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो इन भूयांस को हटा के इन्होंने अपना राज स्थापित किया। 16वीं सेंचुरी के दौरान इन अहोम्स ने दूसरे किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया, जैसे CHHUTIYAS 1523 में इनको हराया, फिर कोच हजो को 1581 में हराया, और भी बहुत सारी ट्राइब्स को सब्जुगेट किया। इन अहोम्स ने बड़ा स्टेट बनाया और उस स्टेट को बनाने में इन्होंने फायर आर्म्स का प्रयोग किया। 1530 में इनके पास फायर आर्म्स की टेक्नोलॉजी थी, ध्यान रखिएगा 1530 में बहुत ज्यादा लोगों के पास फायर आर्म्स की टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों। ओके, आप देखोगे 1526 से 1530 किसका राज था, बाबर का राज था। 1530 से आप कह सकते हैं कि 1540 रहा हुमायूं का राज। अब 1530 में बाबर ने गन पाउडर का और थोड़ा बहुत फायर आर्म्स का प्रयोग किया था, और उस 1530 में इन अहोम्स के पास भी फायर आर्म्स थे। 1660 तक आते आते ये अहोम्स गन पाउडर भी था इनके पास, क्वालिटी का कैनन्स भी थे, तो इनके पास ठीक ठाक फायर पावर थी। लेकिन भाई अहोम्स पे बहुत इन्वेजन हुए साउथ वेस्ट से। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए हैं। तो 1662 पे कहां से इन्वेजन हुआ, तो 1662 में एक पावर थी सेंटर में मुगल्स, वहां से इन्वेजन हुआ। मुगल्स किसकी लीडरशिप के अंदर, मीर जुमला की लीडरशिप के अंदर अहोम किंगडम पे कब्जा किया। अहोम ने बहुत अच्छे से लड़ाई की लेकिन वो मुगलों से हार गए। लेकिन मुगलों का कंट्रोल अहोम के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहा, बट शुरू में ये जो अहोम थे मुगलों से हार गए थे। तो देखिए ये यहाँ पे जब आए थे ये म्यांमार के साइड से, तो उन्होंने ये इन ट्राइब्स को CHHUTIYAS ट्राइब को दबाया था और भी बहुत सी ट्राइब्स को बताया। अब अहोम स्टेट की खास बात थी, ये फोर्स लीडर पे डिपेंड करते थे, यानी किसी एक जगह पे जो लोग रह रहे होंगे उनको कहा जाएगा कि भाई आपको, आप में से इतने लोगों को इतने समय के लिए आके काम करना ही पड़ेगा। सो दे वर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर्स, और जो फोर्स लेबर्स में लोग इन्वॉल्व होते थे उनको कहा जाता था पैक्स, दोज हु वर फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। तो पैक्स क्या था, फोर्स लेबर था एक तरीके का, अपने नोट्स में बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनके समय पे पॉल्यूशन का भी सेंसस लिया गया, और उस पॉल्यूशन के सेंसस के हिसाब से हर विलेज से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लोगों को पैक बन के आना पड़ेगा और फोर्स लेबर की तरह काम करना पड़ेगा स्टेट के लिए। फिर कुछ इलाके उस समय पे ऐसे थे जहां पे ज्यादा लोग रहते थे, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे कम लोग रहते थे, तो ज्यादा इलाके वाली जगहों से कम इलाके वाली जगहों पे आके लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 17th सेंचुरी के आधे तक आते आते, 1650 आते आते जो एडमिनिस्ट्रेशन था अहोम्स का काफी सेंट्रलाइज हो गया, यानी कि कंसोलिडेट कर लिया सेंट्रलाइज लीडरशिप ने इनको, तो सेंट्रल कंट्रोल हो गया। आप एक कह सकते हो कि बीच में एक लीडरशिप आ गई जो कि बड़े से इलाके में राज कर रही थी। ज्यादातर जो एडल्ट मेल्स थे उन्होंने आर्मी में सर्व किया था वॉर के दौरान, तो भैया नॉर्मल घर के लोगों को भी आर्मी में सर्व करने के लिए जाना पड़ता था। जब वॉर नहीं हो रहा था तो दूसरे तरीके काम करते थे, जैसे बिल्डिंग डैम्स, डैम्स बनाने में काम करते थे, इरीगेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क्स, इन सब तरीके की चीजों में काम करते थे। राइस कल्टीवेशन के बहुत अलग अलग तरीके के मेथड ढूंढे थे इन अहोम्स ने, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली थी, पानी की कोई कमी थी नहीं, तो राइस खूब उगाया जाता था वहां पर। अहोम सोसाइटी डिवाइडेड थी क्लैंस में और खेल्स में। ओके, इनके यहाँ पे आर्टिसेंस की कास्ट बहुत कम थी, तो आर्टिसेंस जो कि आर्टिस्टिक काम कर सकें, बिल्डिंग बना सकें, पेंटिंग बना सकें, स्कल्प्टर बना सकें, इन आर्टिसेंस को पास के किंगडम से लेके आया गया, क्योंकि इनके पास नेटिव तौर पे आर्टिस्ट बहुत कम थे। अभी जो इनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी खेल्स में, खेल में बहुत सारे विलेजेस आते थे, तो खेल कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। ओके, उन विलेजेस में जो एक पीजेंट होगा, जो किसान होगा, उसकी विलेज कम्युनिटी उस किसान को एक लैंड देगी और उस लैंड पे वो पीजेंट अपनी खेती बाड़ी करेगा, और कम्युनिटी के पास जो लैंड है वो लैंड कम्युनिटी की कमी, कम्युनिटी की मर्जी के बिना, कम्युनिटी की परमिशन के बिना किंग भी उस लैंड को
नहीं ले सकता, कुछ इस तरीके का सिस्टम किया गया था। अहोम सबने खुद के ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के आते आते 1650 तक आते आते ब्रह्मणास का जो इन्फ्लुएंस था वो इन पे बढ़ने लगा था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो इस कास्टिज्म का इफेक्ट पूरे इंडिया में पहुंच रहा था, यहां पे पहुंचा तो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो भैया टेम्पल्स को और इन ब्राह्मणास को इन अहोम लीडरशिप ने भी लैंड दाम में दिए, यानी ब्रह्मदेह यहां पे भी चल रहा था। ओके, और सिब साहिब के सिब सिंह जो कि 1714 से 1744 तक थे, ये अहोम किंग थे, इनके राज में जो हिंदुइज्म था वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन हो गया। लेकिन भले ही इस अहोम किंगडम ने हिंदुइज्म धर्म को अपनाया हो, इन्होंने अपने ट्राइबल बिलीव्स को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम की सोसाइटी काफी सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, पोएट्स को भी भाई लैंड ग्रांट्स दिए गए, ब्राह्मण्स के साथ साथ भाई पोएट्स को स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए, थिएटर को इनकरेज किया गया, तो लोग ड्रामा वगैरह में इन्वॉल्व थे, फिर बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरांजीज वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज देन इन आसामीज। तो ध्यान रखिएगा कि ये बुरांजी क्या होती है, बुरांजी होती है हिस्टोरिकल वर्क्स जिनको पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया और फिर असमीज लैंग्वेज में लिखा गया। बीच में देखिए दोस्तों ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है जिसका अगर आप नोट्स बना लेंगे फायदा रहेगा आपको, ये नोट्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बनाते चाहिए नोट्स अपने साथ। कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया तगड़े सोशल चेंजेस हुए हैं, कैसे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स बड़े बड़े रूलर्स में कन्वर्ट हो गए, कैसे उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को राजपूत कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लिया और नीचे के लोगों को फिर से दबाया, हायरार्की बढ़ती गई, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया, हाई और लो के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रही थी और उस इंटरेक्शन के चलते दोनों में एक दूसरे के कुछ फीचर्स भी आने लगे, तो सोसाइटीज अडैप्ट होने लगी, चेंज होने लगी, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स आई, उन्होंने अलग अलग तरीके के काम लिए, जो ताकतवर ट्राइब्स थी वो राजपूत बन गई, जो थोड़ी कमजोर ट्राइब्स थी वो नीचे की किसी ट्राइब में आ गई, कैसे ना कैसे करके वो धीरे धीरे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो रहे थे। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ कि इन ट्राइब्स ने कास्ट सिस्टम को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, कुछ ने तो इस्लाम धर्म को भी अपना लिया। बहुत सारी ट्राइब्स ने बड़े बड़े स्टेट्स बनाए जिसमें जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन था, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, पॉलिटिकली पावरफुल भी हुए ये लोग, और जब ये पॉलिटिकली पावरफुल होंगे तो बड़े किंगडम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, जैसे कि हमने गोंड किंगडम के एग्जाम्पल पे देखा कि गोंड किंगडम किसके साथ लड़ाई में आया, तो मुगलों के साथ लड़ाई में आया और हार गया, जबकि वो बहुत पावरफुल था। यहाँ पे छोटा सा फैक्टर है, मंगोलिया को अपने मैप में देखिए, बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखाएंगे नहीं दोस्तों, तो जो कहा जाता है जो पैस्टोरल और हंटर गैदरर जो ट्राइब थी ना बेस्ट नोन, वो मंगोल्स थे। तो भाई जो सेंट्रल एशिया का जो स्टेपीज ग्रासलैंड है ना, वहां का जो फॉरेस्टेड इलाका है उसमें मंगोल्स रहा करते थे। 1206 में एक रेवोल्यूशनरी लीडर सामने आएगा, बड़ा ही ताकतवर इंसान, चंगेज खान, जिसको चंगेज खान भी बोलते हैं, ये आएगा भाई और ये बहुत सारी मंगोल और टुर्किश ट्राइब्स को एक यूनाइट करके कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी फोर्स बनाएगा, और जब इसकी मृत्यु होगी ना 1227 में, तो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज का मालिक होगा। कहा जाता है कि चंगेज खान की रेस के लोग पूरी दुनिया में पाए गए हैं, ठीक है ना, कहा जाता है 7 में से 1 आदमी का जो आप कह सकते हैं ना कि जो एंसेस्ट्रल लाइन है वो चंगेज खान से ओरिजिनेट होती है। चंगेज खान के बाद के जो सक्सेसर्स आए उन्होंने भी बड़ा एम्पायर बनाया, तो आप देखोगे कि इन ट्राइब्स के एम्पायर में कुछ रशिया का हिस्सा होगा, चाइना का हिस्सा होगा, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा होगा, इनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी अच्छा था, एफिशिएंट था, ऑर्गेनाइज था। ओके दोस्तों, और ये लोग अलग अलग रिलीजन और अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को अपनी फोर्स में शामिल करते थे। तो यहाँ पे चीजें मैंने आपको समझाई है दोस्तों, वर्ण, जाति, टंडागढ़, 84 बारहोत, भूयान, पैक, खेल, बुरांजी, सब कुछ समझाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, अगर इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर अब तक आपने नहीं किया, और प्लीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।